गाइस आपने, ये 2014 का ही फोन है और अभी तक मेरे पास एकदम सही चल रहा है। मुझे एक फोन और है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका तो पूछो मत, ये पता है कब का फोन है। एवरीवन वेलकम बैक टू अगेन माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग हो गई है और अपन जा रहे हैं क्लिनिक पर। तो आज का दिन पता नहीं कैसे रहने वाला है। आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट अच्छे नहीं चल रहे। वैसे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, लेकिन फिर भी फील हो रहा है कि अच्छे नहीं चल रहे हैं दिन। तो फिलहाल चलते हैं क्लिनिक पर और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। गाइस दोपहर हो चुकी है, मैं सुबह आ गया था यहाँ पे, आपको तो पता ही है, देखा था आपने। 12:58 हो चुके हैं, 1 बजने वाला है। पेशेंट भी देख लिए हैं और मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। अब ये कर्ली होने स्टार्ट हो जाएंगे, घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे बाल कर्ली हैं, छोटे होते हैं तो सीधे रहते हैं, बाद में कर्ली हो जाते हैं। तो अभी सोच रहा हूँ कि बढ़ा लेता हूँ बाल। एक्चुअली क्या है कि अभी मुझे जाना है घर, नेक्स्ट मंथ है ना दीपावली, तो दीपावली पर जाना है घर, वहाँ पर होगी ठंड, तो इस वजह से थोड़े से बाल भी बढ़ा लेता हूँ, सही रहेगा। सेविंग करवा लूँगा थोड़ी थोड़ी, बट बाल बढ़ा रहा हूँ मैं इस बार थोड़े से, फिर से दोबारा से देखता हूँ कब तक बढ़ाता हूँ, जब तक बढ़ा जाएंगे बढ़ाऊँगा। तो फिलहाल और गाइज अभी पेशेंट को ना मैं यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हुए नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन रखने की भी जगह नहीं है। और उस वाले क्लिनिक पर जाता हूँ तो वहाँ पे तो रखने की भी जगह है, और फिर परमिशन भी लेनी होती है पेशेंट से, जो अपने जानते हुए पेशेंट होते हैं तो उनसे परमिशन लेके तब ले सकते हैं, चोरी छुपे नहीं करना है कुछ। तो परमिशन ली थी पहले इंजेक्शन की भी कि वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में उन्हें दिखाई भी थी कि देखो कितना है क्या है, बस नहीं तो कुछ परमिशन के साथ में काम करो तो अच्छा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे ना अगर मैं पेशेंट को यहाँ पर लेटाऊँगा और तो कैसे लगाऊँगा, यहाँ पर रखने की जगह नहीं है फ़ोन, तो यहाँ पर नहीं बन सकती, मुश्किल है, इसलिए इस क्लिनिक पर नहीं बना पाऊँगा। तो फिलहाल जब उस पर जाया करूँगा तब ज़रूर बना के दिखाया करूँगा, इंजेक्शन लगाने की या जो भी एक्टिविटी है ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाऊँगा। तो हाथ में दर्द हो जाता है यार गाइस, ज़्यादा देर तक पकड़ के रखो ना फोन को ऐसे हाथ सीधा रखो। तो फिलहाल अभी खाना खाने का टाइम है गाइस, तो खाना खाएंगे, उसके बाद में शाम हो जाएगी तो फिर बैठेंगे यहीं पर इसी क्लिनिक पर। तो खाने के लिए देखूंगा बाहर जाके खाऊंगा या फिर यहीं पे पार्सल करा के लेके आऊँगा, देखते हैं क्या करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और 3-4 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं। खाना तो खा लिया है, चाय वगैरह लेके आएंगे, चाय पीऊँगा यार, मन हो रहा है चाय पीने का। थोड़ी देर और बाद जाऊँगा, 5 बजे करीब चाय ले कर आऊँगा। बहुत तेज़ धूप हो रही है, शीशे में से भी धूप की बहुत ज़्यादा पीड़ने आ रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है आज तो, आज बेंगलोर का मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, कोई नहीं। अभी आया था मैं रूम पे गया था काम से, तो अभी जा रहे हैं फिर से क्लिनिक पर, और रास्ते में से समोसे लेके जाने हैं, पैक करा के समोसे लेके जाने हैं, तो चलते हैं समोसे लेके। अभी चाय ले रहे हैं, समोसा तो हमने पैक करा लिए हैं, समोसे के साथ में खाएंगे पियेंगे चाय और समोसा, क्यों टाइम हो गया है नाश्ता करने का शाम का। खस्ता चाय के साथ में चाय खा गई, चाय ये रही, खस्ता समोसा और प्याज और जलेबी वो रखती हैं। तो गाइस शाम हो गई है, मैं मेडिकल वाले भैया से बात करने के लिए आया था यहीं पे, तो अभी शाम हो गई है, पेशेंट वगैरह भी अभी देख चुका हूँ, अभी टाइम हो गया 8:30, तो अभी 8:30 बजे के बाद थोड़े कम हो जाते हैं पेशेंट, तो मैं यहीं पे आके बैठ जाता हूँ मेडिकल वालों भैया से बात करने के लिए। तो अभी फिर आधे घंटे वेट करूँगा फिर जाऊँगा रूम पे, तो रूम पे जाएंगे और समोसे भी खा लिए और जलेबी खा ली, खस्ता खा लिया, चाय भी पी ली, सब यहीं पर बैठ के कर लिया सारे काम। तो अभी पेशेंट भी देख लिए, सारे काम निपट चुके हैं, तो अभी रूम पर जाएंगे। तो फाइनली टाइम हो गया जाने का, 8:52, तो चलते हैं। अच्छा ये नहीं करा,
यार गाइस पेट्रोल डलवा लिया है, अभी रूम पे पहुंचने वाले हैं। बस अपनी गलियों में ही है रूम वाली, देखो बस अभी पहुंचते हैं रूम पे। गाइस फाइनली खाना खा चुका हूँ मैं, और अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं। तो अभी मैंने अपना एक फ़ोन निकाला था, ये वाला, ये मेरा फ़ोन 2014 का ये वाला फ़ोन है मेरा। तो अभी मैंने इसको ऑन किया था और अभी लॉगिन किया था अपनी आईडी से, और इसे चला के देख रहा था तो अभी तक सही चल रहा है। थोड़ा बैटरी में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है फ़ोन का। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो भाई बस इसकी बैटरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब पूरा फ़ोन सही चलता है, बाकी पूरा फ़ोन ठीक है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसे चार्जिंग पे लगाने के लिए ना बड़ी दिक्कत होती है, इसको ना ऐसे करके रोकना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके लाल लाइट जल रही है इसमें रेड कलर की, और यहाँ से वाइट दिख रही है मुझे, तो तब जाके चार्ज होता है। इसको ना इससे टेकना पड़ रहा है, इसके यहाँ से इसको ऊपर उठाना पड़ेगा चार्जिंग केबल को, तब जाके चार्ज हो रहा है। बट कोई नहीं, चार्ज होना चाहिए, हमें तो और कोई मतलब नहीं, चार्ज हो जाएगा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गाइस आपने, ये 2014 का ये फ़ोन है और अभी तक मेरे पास एकदम सही चल रहा है। मुझे ना अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, मैं उसको बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ, जैसे कि ये फ़ोन भी है अच्छे से चल रहा है अभी तक, बट इसमें कोई सिम वगैरह नहीं है, ऐसी यादों में है इसलिए रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ़ोन और है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका तो पूछो मत, ये पता है कब का फ़ोन है, ये चार्ज नहीं है, अगर मैं चार्ज करूँगा तो चार्ज हो जाएगा। ये टाटा इंडिकॉम का फ़ोन है गाइस, ये लिया था मैंने 2010 में लिया है ये फ़ोन, और अभी तक अच्छा चल रहा है। इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम बस बैटरी की होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चार्ज करूँगा चार्ज हो जाएगा, काम करेगा। बट अब CDMA सिम आने बंद हो गए हैं शायद, अब CDMA सिम नहीं मिलते हैं, तो इसमें ये वाले फ़ोन हो गए बेकार, इसमें CDMA सिम चलता था। अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर तो। अब हम तो फिलहाल देखा मेरे पास कितने पुराने पुराने फ़ोन, इसको भी चार्ज करूँगा चालू हो जाएगा सही रहेगा। फिलहाल ना गाइस अभी एक मूवी देखने का बहुत मन हो रहा है, तो अभी मैंने चेक किया था तो जी पर है खुदा हाफिज़ टू, वो मुझे पता ही नहीं थी कब रिलीज़ हो गई, जुलाई में रिलीज़ हुई है। बिजी इतना रहता हूँ ना, शेड्यूली इतना बिजी है, ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। तो आज G5 एप्लीकेशन खुल गई थी, पता नहीं कैसे टच हो गई, तो उस पर देखा तो खुदा हाफिज़ का दूसरा पार्ट आ चुका है, तो 2 महीने पहले आ चुका है, मुझे तो पता आज ही चला, तो उसको देखूँगा अभी, वो मूवी देख लेता हूँ उसके बाद में सोऊँगा। अभी टाइम तो 12 बज चुका है पूरा, नहीं अब क्या करूँ, मन हो रहा है देखने का तो अब हो रहा है, देखेंगे तो फिलहाल देख लेते हैं, और पता नहीं कितने 2 घंटे की होगी, तो 2 बजे मिलते हैं फिर देखने के लिए। तो गाइस मूवी देखने के लिए हमने अपना आइटम ले लिया है, बिस्किट नमकीन पैकिंग कर ली है, अब मूवी लगाते हैं और देखते हैं फटाफट। तो फाइनली गाइस हमने मूवी देख ली है, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी थी, जो उस मूवी में किया है वो अच्छा किया, हम सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं। तो मैं मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी स्टोरी देख के मुझे अच्छा लगा, उन सब लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो ऐसा करते हैं। तो फिलहाल 2:11 हो गया रात का, तो और हमने अपने मूवी देखते देखते ही खाली कर दिए, कितने कर दिए, 5 बिस्किट खाली कर दिए, बाकी नमकीन का डिब्बा आधा तो खाई थोड़ा सा, और कम कर दिया खा खा के, तो अच्छा था, टाइम पास भी हो गया, और खाने खाते खाते मूवी देखना अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी सोने का टाइम हो गया और सोएंगे, पानी पीते हैं फिर सोएंगे, तो फिर सोते हैं फिर गाइस।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की मेरी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।